हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका ग्राफिकल मेथड हम पहले ही कर चुके हैं, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। ये मेथड भी बहुत ही ईजी है। बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं हम एग्ज़ाम्पल लेके। जैसे मेरे को यहाँ पे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है, तो इसी को ले लेते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, हमने जैसे कोई भी एक इक्वेशन ले लो, ठीक है। जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली, इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो देखो x क्या हो जाएगा, 3 है, और ये पूरा 2y मैं इधर ले आऊँगी, तो 3 - 2y, x की वैल्यू मुझे पता चल गई कि वो 3 - 2y है। अब मैं यही वैल्यू इस इक्वेशन में डाल लूँगी, तो देखो 7 × x की वैल्यू थी 3 - 2y -15y = 2। समझ आया, ठीक है, दिस मच इज़ क्लियर। अब इसके बाद देखो क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे। 7 × 3 कितना होता है, 7 × 3 होता है 21, और फिर माइनस 7 × 2 होता है 14, तो ये जाएगा 14y - 15y = 2। अब 14y - 14y - 15y हो जाएगा मेरा 15 और 14 प्लस, शायद से एक सेकेंड देखो, हाँ यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने जो कर रखा था वही हुआ है। तो अब 14 और 15 को मैं प्लस कर दूँगी, तो वो तो मेरा हो जाएगा 29y, और 2 जो इधर है मेरा, इसमें मैं यहाँ पे माइनस 21 कर दूँगी, ठीक है, 2 - 21 कर दूँगी, तो ये मेरा हो जाएगा 19 - 19 - 29y। अब मेरा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y जो है वो मेरा हो जाएगा 19/29, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो y मेरा 19/29 हो जाएगा। अब मेरे को ये वैल्यू पता चल गई, मैं x में इस वैल्यू को डाल लेती हूँ, तो x जो था वो था मेरा 3 - 2y, तो 3 - 2y मेरा है 19/29, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, x हो जाएगा 3 - 2 × 19, कितना हो जाता है, 19 × 2 होगा 8, और 1 + 1 = 2, 3, 38 - 38/29, ठीक है, ये समझ आ रहा है। तो अब ये हो गया, अब इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम लो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, तो इन्होंने सीधा कर दिया एलसीएम वेलसीएम निकाल के, तो ये मेरा हो गया 49/29, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोना सॉल्व इट आउट। बहुत ही इजीली ये वाला भी हो जाता है, एंड दिस इज़ हाउ द सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क्स आउट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आप एक्सरसाइज करो, आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी बहुत ही इजी है। इसके अंदर बेसिकली जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया ये वाली इक्वेशन का, अब इस इक्वेशन में मुझे जो है एक काम करते हैं हम, इन दोनों इक्वेशन में ना हमें कोई ना कोई चीज़ तो सेम बनानी है, ठीक है। तो क्या सेम मैं बना सकती हूँ, अगर मैं वाई को सेम बनाऊँ, तो मैं वाई को सेम अगर बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो 4 है और 3 है, 4 और 3 में एक जो कॉमन नंबर है वो है 12, 4 × 3 जो 12 होता है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस इक्वेशन को पूरा मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है, और इस इक्वेशन को 4 से कर दूँगी। बेसिकली बीच में मुझे जो है 12 चाहिए, बीच में 12 आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने ये मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस जो मेरे पास आई, अब मैं क्या करूँगी, इन्हें एलिमिनेट करूँगी। एलिमिनेट करने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूँगी,
क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। सो आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। 3 को इक्वेशन 4 से करूँगी, मतलब इक्वेशन 4 ये वाली इक्वेशन में पहले रखूँगी, ये वाली इक्वेशन बाद में। तो देखो कैसे माइनस करोगे, 28x माइनस 12y, एक सेकेंड। हाँ तो मैं बता रही थी 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000 और मेरा है 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। ठीक है, अब मैं इसको माइनस करूँगी अगर, तो ये मेरा हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28x माइनस 27x हो जाएगा x, ये हो जाएगा मेरा दोनों कट। ठीक है, बेसिकली एलिमिनेट करना मतलब यही होता है, x इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 8000 माइनस 6000 2000। सब्ट्रैक्ट कर दिया, x की वैल्यू आ गई 2000। समझ आया, x की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही सकते हो। देखो इस इक्वेशन में मैं अगर x की वैल्यू डाल दूँ 9 into 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, सो अब देखो 9 into 2000 हो जाएगा 18000 माइनस y, और 4 को मैं इधर ले आऊँगी, इसको प्लस कर लेती हूँ और इधर यहाँ पे अपॉन में माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 और इसको काटोगे तो यह आ जाएगा 500 y इज इक्वल टू माइनस 500 माइनस 18000। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं मिल रही तो आप नीचे ही देख लो सॉल्व जो हो रखा है। सो ये मेरा आ जाएगा 4000। ठीक है, y की वैल्यू आ गई मेरी 4000। तो अब इसी तरीके से जो है मैं सॉल्व करती रहूँगी, तो मेरा यहाँ पे x भी आ गया, y भी आ गया, और हमें यही निकालना था। तो अब मुझे आप बताओ कि आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में से कौन सा ज़्यादा इजी लगा। फॉर मी आई थिंक एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी है। अगर आपके एग्ज़ाम में स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको कौन सा मेथड करना है, तो आप कोई भी कर सकते हो, नहीं तो अगर मेंशनड है तो फिर आपको वही वाला मेथड करना है। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।